हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। और भाई आज नए दिन की नई शुरुआत हो चुकी है। सुबह सुबह भाई अभी भी जो है बारिश बाहर हो ही रही है, पूरी रात से टिमटिमाती हुई बारिश हो रही है। तो भाई सुबह सुबह उठते ही आज बच्चों ने डिमांड कर दी थी पकौड़ों की, लेकिन ड्यू टू सम चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो बच्चों को सीधे सीधे पराठे मिल रहे हैं भाई, देसी घी से चकाचक दोनों के दोनों बच्चे अपने दूध के साथ पराठे ले रहे। और भाई मुझे भी क्योंकि भूख लग रही है, तो भाई मेरे लिए भी यहाँ पर मैसिव चीज़ें जो हैं वो बनकर रेडी हो रही है। देखो, एक दही दूध पता नहीं क्या क्या रायता यहाँ फैला के रखा हुआ है, पर बहुत अच्छा भाई नाश्ता एकदम बन के आने वाला है। और मेरे को भी भूख लग रही है। और देखो, मैंने बताया था तुम्हारे भाई का छुट्टी के दिन रूटीन 10 एकदम भ्रष्ट हो जाता है। कैसे भ्रष्ट हो जाता है, टाइम देखो भाई 12 बज रहे हैं, पब्लिक आधा दिन अपना बिता चुकी है और हमारी सुबह हो रही है, हमारी चाय बन रही है। और भाई दुद्दू मैंने जूली को पिला दिया है। जूली क्या चाहिए बेटा, हमेशा बाहर जाने की लगी रहती है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है मेरे बेटा को, क्यों 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 क्यों, बाच 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 बाच। चलो सो दोस्तों नाश्ता लेते हैं। मेरा लगा दिया क्या, अच्छा मेरा नहीं लगाया, तो ठीक है दोस्तों नाश्ता करता हूँ, नाश्ता करने के बाद मिलता हूँ, देखते हैं आज के दिन में क्या और खास करने वाले हैं। हालांकि रात को ऐसा हुआ था भाई, रात को एक बार इंटरनेट चला गया था, पता नहीं क्यों पूरी रात जो है लाइट रेड कलर से ब्लिंक होती रही, बिकॉज की बारिश हो रही थी, तो मुझे लगा कहीं पर किसी ने, क्योंकि वायर वगैरह माइट भी कहीं ब्रेक हो गया हो, कुछ हो गया। बट सुबह उठते ही देख रहा हूँ भाई झकास वाला इंटरनेट भी आ रहा है, और यहाँ पर मौसम का लुत्फ तुम्हारी वाली मछलियाँ भी ले रही है। देखो टेट्रा ब्लैक वाली हमेशा ग्रुप में रहती है, आपको दिख रही होगी, सारी एक साथ ग्रुप में रहती है, बाकी सारी मछलियाँ अलग अलग रहती है। चलो दोस्तों नाश्ता करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों छोटा सा काम मिल गया भाई एक पराठे को सेकने का, क्यों, क्योंकि इसको थोड़ा सा काम आ गया है। इस पर अभी लगा दूँ, एक बार पलटूँ, अभी पहले पलटूँ, ये मैंने पलट दिया है। और भाई मक्खन ये मैंने लिया और मक्खन ये लगाया, और भाई कैसे करते हैं पराठा, कैसे बनता है, शायद ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। कितना मक्खन लगाना है, ओके और मक्खन लेते हैं, और मक्खन लेते हैं, इधर भी लगा देता हूँ भाई मक्खन। वाह भाई हमसे बनवाओगे तो ऐसे ही सुबहान अल्लाह पराठे बनेंगे तुम्हारे। और पलटू पलटू, किससे पलटू, चिमटे से पलट देता हूँ, अब इससे दबाऊँ, ऐसे नहीं यार ऐसे क्यों दबाना है, ऐसे तो फिर। लो भाई आज तुमने अपने भाई से पराठे बनवाई लिए, तुम्हें लग रहा होगा तुम्हारा भाई ब्लॉग के लिए बना रहा है, बट ऐसा नहीं है यार, इसको कुछ काम आ गया है, तो इसने कहा एक पराठा आज तुम्हें सीखना पड़ेगा। तो भाई तुम्हें पता ही है तुम्हारा भाई हीरो है, भाई हीरो एक हो दो, लेकिन अब इस पराठे को करूँ क्या, बस सीख गया, देखना सीख गया, हाँ रेड हो गया, एक तरफ से थोड़ा कम हुआ, एक तरफ से ज्यादा हो गया। तो भाई मेरी होल्ड हो रही है क्या, मैं कैसे खाता हूँ भाई, मैं पता नहीं कैसे खाता हूँ, पर देखते हैं, मेरे ख्याल से हो गया ये सीख गया भाई। अरे यार ये सब चीजें तो तुम्हारे भाई से नहीं आती है। और मैंने पराठे का पेट फाड़ दिया है दोस्तों यहाँ से, और इसकी हवा सारी निकल चुकी है, और पराठे को मैंने लाल की जगह काला कर दिया है। और अब मैं देने जा रहा हूँ पराठा अपने कबूतर को, ये लो डैडी स्पेशल पराठा, डैडी ने बनाया ये पराठा, वेरी डेंजरस, बस इतना छोटा ही यार सारा है। दोस्तों मैं पहले इसको रखूं दुकान को अपनी, तभी तो जाके शूट हो पाएगा। यस किधर रखूं, वेरी डेंजरस मैं करेगा दोस्तों, आई थिंक यहां से दिख रहा होगा, वेरी डेंजरस। तुम्हारे दोस्त ने देखो गुब्बारा बना दिया है, पढ़ दो क्या, ये लो भाई पराठा बनाने के लिए कहा था और कुछ और बन गया है। हमसे बनवाएंगे तो सुभान अल्लाह बनेगा भाई, सीधी सी बात है, हमसे ज्यादा नहीं हो पाता है। तो दोस्तों पराठे बनाने की प्रक्रिया भाई चालू हो रखी है, तुमने देख लिया तुम्हारा भाई कैसे पराठे बना रहा है, भाई बिल्कुल ऐसे ही करता तुम्हारा भाई,
चलो पलट दूं। चल भाई, धुआं निकल गया मतलब पराठा बन गया। मैं तो धुएं से ही समझता हूँ भाई, धुआं मतलब पराठा ओके की रिपोर्ट। क्या कहते हैं ये पराठा बन गया भाई? ऐसे ही तो बनता पराठा, तुमने तो गई थी इधर से उधर को ऐसे लाल कर देना और काला कर देना। वेरी डेंजरस भाई, देखो कच्चा हो या पक्का हो, अगर धुआं निकल गया ना, धुआं का मतलब होता है पराठा बन गया। कहीं से भी कच्चा नहीं रहने दूंगा क्योंकि बच्चे खाएंगे भाई। वेरी डेंजरस, वाओ। एक एक पराठे को कुचल कुचल के पतला कर दूंगा मैं। ये पराठा किसको दूं? ये अपने आप ले जाओ खाने के लिए। हैं? ये बहुत डेंजर पराठा है, इसको मैं कैसे ले जा सकता हूँ? खोलो जल्दी गेट। वेरी डेंजरस डैडी स्पेशल, बिल्कुल बहुत तकड़े वाला बनाया छवि मैंने। वो गरम है, गरम है, गरम है। लो भाई आ चुकी हैं अपने पराठे बनाने के लिए। तो भैया हम खाली कर देते हैं किचन को। तो तुमने देख ही लिया होगा दोस्तों तुम्हारा भाई कैसे पराठे बना लेता है। तो पराठे भी आते हैं तुम्हारे भाई को, तुम्हारे वो कौन सा होता है, तुम्हारे भाई जोगिंदर है। चलो खाते हैं दोस्तों नाश्ते को और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो चलो दोस्तों अंदर चलते हैं। वाओ कितना टेस्टी है डैडी का पराठा है, मैं भी खाऊं। वाओ सच में फंटास्टिक बना हुआ है। मलाई मलाई मंगवा दूँ क्या? मलाई ले आओ भाई इसके लिए जरा। ऐसा कौन खाता है दही के साथ मलाई, कौन खाता भाई? अरे मैंने बनाया, मेरा स्पेशल है ये, मैंने बनाया है डैडी, डैडी स्पेशल है ये। चलो दोस्तों मेरा नाश्ता भी आने देते हैं। आपका नाश्ता आ गया? आ गया क्या? लाओ भाई, भाई बैगन का भरता और एक कप कड़क वाली चाय। आ जाने देते हैं सर को भाई, इधर सर की सरका करो अपनी अपनी। अच्छा नहीं है क्या? मेरे को दे दो भाई, डैडी स्पेशल तो ऐसी होगा। बताओ वेरी डेंजरस। अच्छा तो है लेकिन जल्दी खाएगा। मेरे को दो, डैडी खाएंगे टाइट। तुम्हारे भाई का पराठा वापस आ चुका है, मेरी चाय तो दे दो। आया पी लो, मेरी चाय दे दो। चलो बेटा जुलू उधर कुछ नहीं है, उधर लड़ने की जरूरत नहीं है, गेट बंद है, गेट बंद है, उधर कुछ नहीं है। आ जाओ चलो आओ, हो गया नाश्ता फिट पक्का। अब नहीं चाहिए भी पराठा? चलो हैं, डकार भी आनी शुरू हो गई। चलो दोस्तों खाते हैं और मजे करते हैं। तो दोस्तों मैं तो अपना ब्लॉग देख रहा हूँ और भाई नाश्ता देखो यहाँ पे मैंने फिनिश कर दिया है। और भाई कहानी कुछ इस तरीके की है कि छवि जो है मेरा कबूतर आ चुका है। हाँ बेटा, जब भी मैं चलाती हूँ ना ये पेच निकल जाता है। ये पेच मैं बहुत बार यूज करती हूँ। बेटा ये तो बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। क्या हुआ दिखाओ? जब भी मैं चलाती हूँ निकल जाता है। ओ एक काम करना पड़ेगा इसके लिए, आपको टूल किट पे जाना पड़ेगा। टूल किट पे जाके गोल वाला डब्बा रखा होगा, उसमें बहुत सारे पेच है, मम्मा से पूछ लेना, उसे लेके आओ जल्दी। गोल वाला एक बड़ा वाला गोल डब्बा सबसे आगे रखा है, वो गोल डब्बा बड़ा सा, बड़ा सा। हाँ उसमें बहुत सारे पेच पेच भर रहे होंगे बहुत सारे। तो दोस्तों छवि को भेजा है मैंने, उसका स्केट है, उसका बोल्ट निकल गया भाई यहाँ पे, तो उसके स्केट को जोड़ते हैं। स्केट भाई ऐसा है, बहुत ही जबरदस्त स्केट निकला है, आज तक इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई है, झकास। तो छवि के स्केट को जोड़ता हूँ, दिखाओ। हाँ यही तो है मेरा, यही तो है, यही तो है। लो आप बनाओ ब्लॉग, जरा जरा आप बनाओ ब्लॉग, मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ जिससे कि किसी को कुछ दिखे नहीं। हाँ नीचे करके, यही तो है। आज मैं बनाऊँ? नहीं 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 आपसे नहीं। अरे मेरे को जोड़ना आता। नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं अरे मेरे को जोड़ना आता नहीं बेटा। सो गाइस अभी डैडी तो मेरा स्केट ठीक कर रहे हैं, हो सकता है फाइनली आज हो जाए और फिर मैं हमेशा के लिए चला। देखो ये मैंने लगा दिया ना यहाँ पे, अब इसको मैं इधर से और कर देता हूँ, एक वार से लगाता हूँ, ये लगाया और एक कर देता हूँ बोल्ट।
लो जी साहब जी, ओके की रिपोर्ट है एकदम। दोस्तों नीचे निकल लिए शहीदों की याद में रैली, देखते हैं भाई ऊपर से है? भाई हमारा टोलू नंबर वन है, चल रही जय जय जय। तो दोस्तों नीचे रैली निकल रही थी भाई, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था लोगों में। कुछ मुझे रीजन तो पता ही लगा, बस एक मुट्ठी चावल और एक मुट्ठी आटा देने थे अपने घर से और शहीदों की याद में कुछ रैली निकाल रहे थे। तो भैया हमने तो अपने फोन में कैप्चर कर लिया भारत माता की। So, दोस्तों यहाँ पर भाई छवि की पढ़ाई चल रही है तो मुझे एडिटिंग करनी है, तो मैं लैपटॉप लेके दूसरे कमरे में अपनी एडिटिंग कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर तो इनका डिस्टर्बेंस होगा अगर मैं एडिटिंग करूंगा तो। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ अभी दूसरे कमरे में अपने कल के व्लॉग के लिए एडिटिंग करने, तो मिलते हैं आपसे एडिटिंग के बाद। तो दोस्तों यहाँ पे टैटू की प्रतियोगिता चल रही है भाई, टैटू बन रहा है, दिखा दो। देखो दो तो छवि के हाथ पे बने हुए आपको दिख ही रहे होंगे और इधर बन रहा है भाई मेरे, भाई दिख रहा है कि नहीं छवि पता नहीं मेरे को, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं टूट ना जाऊँ पीछे से। दिख रहा है। और दोस्तों एक बन चुका है मेरे इस वाले कंधे पे, कहाँ छवि ये भी दिख रहा है कि नहीं पता नहीं यार, दिख रहा होगा। और भैया एक मैंने यहाँ से मिटवा लिया। तो टैटू प्रतियोगिता चल रही है, सक्षम के भी दो टैटू बन चुके हैं, छवि के भी दो टैटू बन चुके हैं। भाई मैं कर रहा हूँ अपने वेबसाइट का काम, उसको कुछ मोनेटाइजेशन के प्रोसेस में डाला हुआ है। सो अभी मौसम सक्षम बोलने आए थे वैसे, पापा बहुत ही गजब का मौसम हो रहा है, तो भाई बट ऑब्वियस है गजब का मौसम हो रहा है तो भाई हम तो भगेंगे छत की तरफ, क्योंकि छत पे करते हैं भाई हम फिर अपनी चुलबुली वाली एक्टिविटी, क्यों भाई छवि। तो अभी मैं छवि को लेकर के, देव को और सबको लेकर के जाऊँगा दोस्तों छत पे, तो मिलूंगा आपसे थोड़ी देर के बाद। अभी मेरा टैटू बन जाए, एक बार टैटू बन जाए, टैटू बनने के बाद आपको दिखाऊंगा जरूर। हाँ सच्ची में बना ले भाई बना। अच्छा तो भाई अभी ये रिवील नहीं कर सकती टैटू, एक बार टैटू बन जाने देते हैं। सो दोस्तों टैटू बन रहा था, रुक रुक, टैटू रिवील होने से पहले टैटू खराब हो चुका भाई, ये देख लो मेरी कमर का पता नहीं दिख रहा कि नहीं दिख रहा। और भाई छुटाने के लिए जो है ना सैनिटाइजर, जो स्कूल का सैनिटाइजर दिया था ना उसका प्रयोग किया जा रहा है। पीछे देखो ये रखा सैनिटाइजर, कहाँ रखा है ये देखो, ये रखा सैनिटाइजर। और सैनिटाइजर लगा लगा के जो है ना छुड़ाए, बस थोड़ा 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 निकालना, पूरा निकल ही नहीं रहा, हल्का ऊपर से निकालना हल्का सा, बस बस वाह ज्यादा निकल गया ना। मैं बेटा ये आगे से सैनिटाइजर लाऊंगा ही नहीं। दोस्तों सैनिटाइजर आ रहा है स्कूल के लिए और यहाँ उस पे भाई टैटू रिवील हो रहा है, देख लो। अरे छुटाओ छुटाओ जल्दी टिश्यू पेपर से, बस बन गया टैटू बेटा। सही बेटा चले, आप कहते हैं डैडी ऊपर चलो ऊपर चलो, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, जल्दी रखो जल्दी रखो जल्दी सारा सामान अंदर, ये छवि की अलमारी है। चलो दोस्तों ऊपर चलते हैं, और जूली भी चल रही है हमारे साथ। सक्षम बेटा गेम बंद करो, बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी, जल्दी। गाइस मैं आपको डैडी का पहला टैटू दिखा दूंगी। नहीं नहीं पापा का टैटू मत दिखाओ, पापा का टैटू देख चुके सब लोग। मौसम छवि क्या मौसम हो रहा है भाई, वाओ क्या झकास वाला, क्या झकास मौसम हो रही बाबू। भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, आज तो कुछ गजब का मौसम हो रहा है दोस्तों, बहुत ही अल्टीमेट मौसम हो रहा है भाई। अभी बैठने वाला मैं छत पे,
इधर देखो, इधर धूप और काले बादल हो रखे हैं। ये देखो इधर ये रेनबो निकलेगा आज। बिल्कुल बिल्कुल रेनबो निकलने की चांस में है। हाँ बेटा, नहीं नहीं बेटा मैं दीवार पे नहीं, गीला है क्या? हाँ यार झूला तो गीला है भाई। तो दोस्तों अभी ऊपर से नीचे आ गए भाई, एक प्रतियोगिता हो रही है। प्रतियोगिता ये है कि कौन किसको कैसे हंसा के दिखाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले मेरी बारी, सबसे पहले छवि की बारी, छवि को हंसाना भाई। छवि मुंह मेरी बारी, सबसे पहले बारी किसकी है, कौन हंसाएगा, कौन हंसे? अच्छा तू तो मुंह खोल ले, भी तेरी बज्जी नहीं है, तू तो खोल ले। अच्छा ठीक है भाई, सबसे पहले बज्जी सक्षम की है, देखो दिखाना नहीं है कुछ भी। ऐसे अगर हल्की बली ऐसे स्माइल आएगी तो नहीं होएगा, अगर दांत दिख गए तो होएगा। अच्छा ऐसी बात है। उरे दिखा दिखा, सब देखेंगे सारी दिन। दिखा दिखा, हाँ ये अच्छा। तीनों को जूली, नहीं नहीं जूली, नहीं जूली, नहीं नहीं जूली, जू जो हट हट, ये कौन है? भाई दो देव पे बिल्कुल असर नहीं हो रहा, देखो थूक भी बाहर निकल रहा है और कतई नहीं हंस रहा, कतई भी। दिखा हाथ है, हाथ हाथ है सर, यहाँ रख हाथ पीछे को, अपने आप ही हंसेगा कैमरे में सच्ची। अरे हाँ, अरे हाँ, दे होट यू हो रहे सच्ची सच्ची। एक हंस गया भाई, दूसरी छवि की तो रेड भी निकलने वाली है। मुंह लगाने की हो ही नहीं थी, हाथ लग वैसे सुना, वैसे देव की बारी चल रही थी, हमारी हमें नहीं। ये तीनों की मिक्स नहीं तो फिर अब बता। रुको 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 रुको, अभी देव देव की देखे, देव ही नहीं हंस रहा है ना भाई, है ना भाई? अरे हाँ, अरे हाँ, दांत पे से तोड़े, अरे हाँ, और पास से गुड। हाथ है, हाथ है, हाथ है साले, हाथ बेटा। एक मिनट मुंह बंद, बस हो गई नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ, सच में सच में बेटा, यहाँ प्रतियोगिता चल रही है जूली, समझ रही नहीं बात को बेटा, यहाँ पे प्रतियोगिता चल रही है बेटे, तेरी बात नहीं चल रही, क्यों इतना हुए हुए? अरे 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 खा गई, ओए खा गई, ओए बस, ओए 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 ओए, अरे अब खत्म होगी प्रतियोगिता भाई। ओ ओ ओ ओ, ओए 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 ओए, नहीं जूली जूली जूली, नहीं जूली नहीं नहीं बेटा नहीं, ओए 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 ओए, जूली 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 बेटा, नहीं 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 नहीं, ओए ओए जूली जूली जूली, ओए 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 जूली इस सर। अरे यार ये तो हंसी की प्रतियोगिता में जूली पागल हो गई, जूली 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 बेटा 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 बेटा, जूली 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 बेटा बेटा, बस 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 नहीं, बस रिलैक्स, छवि इसको नीचे ला, मुझे दे मुझे दे मुझे दे, नहीं 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 बेटा, जूली 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 जूली। और दोस्तों जूली पूरी तरह से पागल हो चुकी, फेंक दे भाई की तरफ, जूली जूली नहीं जूली नहीं बेटा। सो दोस्तों अंदर जूली का आतंक तो आपने देख ही लिया है भाई, जूली अभी एक्साइटेड हो गई है, इसको लग रहा है कि भाई मेरी बात हो रही है। तो भाई मैं इसका दुद्धू लेके, ये मैं इसका दुद्धू यहाँ से उठा लेता हूँ भाई, और देखो दुद्धू के आगे आगे चलो बेटा, तो दूध पिला के लाता हूँ दोस्तों, चलो तो आज गट्टे की सब्जी बनेगी भाई, चल बेटे मटर पट्टी आ गया।
अब धोऊंगा बेटा, अब आया हूँ मैं सक्षम की तरफ से। अरे अभी रुक तो, अभी रुक, मुझे उसने पूरी इन्फॉर्मेशन बताई। ले बेटा पता नहीं हाँ भाई पता। दोस्तों अब हो रहा है भाई फुटबॉल का चैंपियनशिप, और इधर है देव, इधर है छवि द ग्रेट। चलो भाई स्टार्ट करो। तो दोस्तों देव को छवि ने हरा दिया भाई, छवि जीत गई है। हमारे आज के जो विनर है, हाथ लाओ भाई जल्दी, तो भगवान जी की चीज गिरा रही है तू, लाओ। और चैंपियनशिप, अबे ट्रॉफी तो ले ले, ट्रॉफी के विजेता है। देखो दोस्तों कितने चमगादड़ निकल चुके हैं, पता नहीं दोस्तों शाम को कहाँ से आते हैं, बहुत सारे चमगादड़ आते हैं यार, बहुत सारे मतलब सच में आपको शायद दिख नहीं जाऊंगा। ये देखो बहुत सारे चमगादड़ आते हैं, बहुत सारे झुंड आता है पूरा। छवि देख कितने सारे, रुक जा हाँ भाई। और भाई चमगादड़ निकल चुके हैं भर भर के, सक्षम दिख नहीं यार, तू देख ले कितना चमगादड़ है। और सक्षम आज रुष्टे इससे बात करनी पड़ेगी। हाँ भाई क्यों रुष्टे है भाई, ये कैमरे के सामने बताना नहीं चाहता है, तो जरा इससे पूछ लेते हैं ये रुष्ट क्यों है। तो फ्रेंड्स कल है सक्षम के कंप्यूटर का एग्जाम, और भाई ऊपर से नीचे आ चुके हैं, और अभी उसकी मम्मी ने काम दे दिया है मेरे को कि भाई सारे के सारे क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो सुन लो। तो पहला क्वेश्चन जो मैं सक्षम से, हालांकि मैं 3-4 क्वेश्चन ऑलरेडी सुन चुका हूँ, पर पहला लॉन्ग क्वेश्चन मैं सक्षम से सुनने वाला हूँ। राइट अ नोट ऑन द हार्म एंड रूट ऑफ द कंप्यूटर वायरसेस। रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से। राइट अ नोट on harm and roots of the computer viruses. Most viruses are applied to be confuse and irritate the computer's operator. दोस्तों मैं तो इसे सुन ही रहा हूँ भाई, बहुत सारी चीजें सुननी है अभी, पता नहीं जो किताब में लिखा होता है, कॉपी में लिखा होता है, उससे जस्ट अपोजिट सुनाता है और कहता है कि मैं बना के लिखता हूँ। पता नहीं अच्छी चीज़ है कि बेकार चीज़ है, पर चलो सुन तो लेता ही हूँ सारे के सारे। क्या खा रहा है भाई? धनिया। ला मेरे को टेस्ट करियो, मम्मी ने बनाई है सब्जी, गर्म तो नहीं है? सुड़कना। वाओ व्हाट अ सब्जी मैन, सही बनाई है। तो दोस्तों सक्षम को भाई पढ़ा तो मैंने दिया है, कल कंप्यूटर का पेपर है, और भाई अब लग गई है भूख, तो सक्षम को खाना मिलने वाला। बेटा जल्दी से 4 चैप्टर कर और खाना खाओ। खाने में देखते हैं दोस्तों आज क्या है, क्या बनाया भाई, इसमें क्या है, ये क्या है, भट्टे की सब्जी और ये राइस, ओके रोटी, ये सलाद, तो ठीक है ला दो यार अंदर ला दो, एक एक करके खा लो। दोस्तों खाना खाते हैं, खाने के लिए भाई लग गया है, और बैठते हैं एक बार खाना खाते हैं। सो फ्रेंड्स खाना जो है भाई आ चुका है, तो भूख भी अपनी सीमा पे। फाइनली सक्षम का जो है भाई, मैंने पिछले वाले वीडियो में फिजिक्स की तैयारी करवाई थी, तो फिजिक्स का पेपर ये रहा। अब बोल तो रहा है कि आउट ऑफ 100 करीब 92 नंबर उसके आएंगे, अभी मैं काउंट करूंगा खाना खाने के बाद, पूरा जो उसका पेपर है पूरा देखूंगा कितने नंबर उसके आने वाले हैं कितने नहीं, और देखते हैं एक्चुअल कितने आएंगे। अभी ये 92 88 और 92 के अराउंड बोल रहा है, अभी देखते हैं उसके एक्चुअल नंबर कितने आएंगे। तो पहले खाते हैं खाना और फिर सक्षम के फिजिक्स के पेपर को चेक करेंगे। सो फ्रेंड्स रात के बज रहे हैं भाई 11:30-12 के आसपास, और मैं जा रहा हूँ अभी सोने, खाना वगैरह मेरा ऑलमोस्ट हो गया। सक्षम को मैंने सुला दिया भाई, मैंने क्या सुला दिया, उसकी मम्मा ने सक्षम को सुला दिया। अब जूली पता नहीं किस कुत्ते पे बाहर भौंक रही है,
तो वो देखता हूँ। होपफुली आज के ब्लॉग में दोस्तों इतना ही। कल सक्षम का कंप्यूटर का पेपर है, देखते हैं भाई सक्षम क्या धमाल मचा के आता है, क्या धमाल नहीं मचा के आता है, वो तो कल के एग्जाम को देखने के बाद ही होगा। हालांकि फिजिक्स के पेपर में बोल रहा है कि भाई 88 से 92 के बीच में नंबर आएंगे, तो देखने की बात रहेगी। तो आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं, कल फिर से मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग में, नई चीजों के साथ, नए दिन की शुरुआत। तो कल देखते हैं कल क्या कुछ खास होने वाला है, मिलेंगे कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। Keep watching, keep supporting. Thank you.